सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं बोल रहा था कि आपको द स्क्विरल चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। तो ये जो वर्ड मीनिंग्स आप देख रहे हो, वोर है, टेल है, ओवरकोट, ग्रे, स्ट्रेट, नट, टीज, अराउंड, अदर वे, इन सारे वर्ड्स के जो मीनिंग्स आप देख रहे हो, इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स आपको अपनी जो है नोटबुक में लिखना है। तो ये सारे जो है मैं एक बार वर्बली आपको थोड़ा समझा देता हूं। वोर जो है उसका मीनिंग है पुट ऑन, कुछ पहनना। टेल, द पार्ट एट द एंड ऑफ एन एनिमल्स बॉडी। टेल जो है उसका मतलब है जानवर के शरीर के निचले हिस्से का एक हिस्सा, निचले स्थान का एक हिस्सा। ओवरकोट का मतलब है ए लॉन्ग थिक कोट, एक बड़ा सा मोटा कोट जिसको हम लोग आमतौर पर अपने शर्ट वगैरह के ऊपर पहनते हैं। ग्रे का मतलब है कलर बिटवीन ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच का कलर, मतलब ग्रे मतलब इसको हिंदी में बोल सकते हैं एक प्रकार का क्या बोलते हैं, मीन्स हल्का ब्लैकिश टाइप का, या छाई कलर। छाई कलर, जैसे छाई का जो कलर होता है, ब्लैक और व्हाइट का मिक्सचर एक कलर, ग्रे। स्ट्रेट का मतलब है विदाउट बेंड, स्ट्रेट मतलब कहीं से भी ना मुड़ा हुआ, ठीक है। नट का मतलब आपको पता ही, एक प्रकार का ड्राई फ्रूट होता है नट। टीज का मतलब है टू अपसेट समवन या मेक फन ऑफ। टीज का मतलब है किसी को परेशान करना, या किसी का मजाक उड़ाना, या किसी के साथ मौज मस्ती करना। अच्छा, अराउंड का मतलब है इन वेरियस प्लेसेस, अलग अलग स्थान का। अराउंड का मतलब अलग अलग स्थान का। अदर वे का मतलब है डिफरेंट वे, अदर वे का मतलब दूसरी तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्ड मीनिंग्स हैं, और ये वर्ड मीनिंग्स आपको जो है करने हैं, और इन वर्ड मीनिंग्स के अलावा आपको टेक्सुअल क्वेश्चन जो है वो मैंने प्रोवाइड कर दिया है। तो इस तरह से आज 11 अगस्त तक हम लोगों ने दो चैप्टर लगभग आपके जो है कोर्स के कर लिए हैं। तो पहला चैप्टर जो था वो ये था द थ्री क्वेश्चंस, और दूसरा है द स्क्विरल। अब हम लोग कल, ठीक है, कल हम लोग एक नए चैप्टर को शुरू करेंगे जो कि आपका तीसरा चैप्टर होगा। थोड़ा सा वो चैप्टर लेंदी है, मतलब ज़्यादा लंबा तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा वो चैप्टर लेंदी है। बड़ा ही बहुत ही अच्छा चैप्टर है वो वाला, थर्ड वाला चैप्टर जो हम लोग कल शुरू करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी गुड चैप्टर, अच्छा चैप्टर है वो। और उस चैप्टर को जब हम लोग शुरू करेंगे तो उसमें आप ये देखना, उस चैप्टर का जो नाम है वो मैं आपको एक बार जो है बता देता हूँ। उस चैप्टर का नाम है, जस्ट अ मिनट, उस चैप्टर का नाम है ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो एक्चुअल में वो सेकंड चैप्टर है, बिकॉज आपके जो स्टोरी की बुक है हनीकॉम, उसमें सिर्फ प्रोजेस के ही चैप्टर नेम दिए हुए हैं, और पोएम्स जो हैं वो चैप्टर वाइज सेग्रीगेट किया हुआ नहीं है। पोएम्स में चैप्टर का नाम नहीं है, आई मीन चैप्टर नंबर नहीं है। तो इस तरह से थ्री क्वेश्चंस चैप्टर वन रहा, द स्क्विरल का कोई चैप्टर नंबर नहीं है, और टू चैप्टर जो होगा वो ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स होगा। वेरी इंटरेस्टिंग वो चैप्टर है। आप जब पढ़ोगे, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको बेहद मज़ा आने वाला है। ए गिफ्ट ऑफ चप्पल्स पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। इसका कारण ये है कि वो चैप्टर जो है बहुत ही ज़्यादा मजाकिया चैप्टर है, मजाक से भरपूर चैप्टर होगा वो थर्ड, वो आई मीन सेकेंड वाला चैप्टर जो है बहुत बहुत मजाकिया चैप्टर है। और बेशक आपको वो चैप्टर बहुत पसंद आएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर विच विल अमेज यू, ओके, बिकॉज इट्स अ वेरी फनी चैप्टर एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। स्टे ट्यून्ड फॉर टुमारो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर चैप्टर टू। आज के लिए इतना ही, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ स्टूडेंट्स, हर चैप्टर में आपको सबसे पहले अपनी नोटबुक में वर्ड मीनिंग्स लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं, और उसके बाद राइटिंग पोर्शन, अगर मैंने घर में कुछ दिया है करने तो वो करना है, और जहाँ तक ग्रामेटिकल पोर्शन का सवाल है वो हम लोग बुक में करेंगे। बुक में अगर स्पेस ना रहे तो आपको नोटबुक में करना है। तो ये आपको नोटबुक, ये आपकी नोटबुक मेंटेनेंस का
जो है स्टाइल या वे होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, स्टे एट होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।